रामचरण के घर पर इस वक्त मनाई जा रही हैं ढेर सारी खुशियाँ। शादी के 12 साल बाद इस कपल ने किया है अपने घर पर बेबी का वेलकम। आज की इस वीडियो में आपको रामचरण और उपासना की बेबी के बारे में बताने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें, और नीचे कॉमेंट बॉक्स में इस कपल को कॉन्ग्रेचुलेशन कहना मत भूलिएगा। साउथ इंडिया के लेजेंडरी एक्टर चिरंजीवी बन गए हैं दादा और इस वक्त वे काफी खुश नजर आ रहे हैं। इसी के साथ रामचरण और उपासना भी इस वक्त अपनी बेटी की वजह से काफी एक्साइटेड नजर आ रहे हैं। रामचरण और उपासना ने 14 जून 2012 में शादी की थी। इन दोनों की शादी साउथ की वेडिंग में काफी रॉयल रही थी और दोनों के कपल को लोगों की ओर से खूब प्यार मिला है। और इस कपल ने जब से शादी की है तब से इनके फैंस को इनकी ओर से गुड न्यूज सुनने का बेसब्री से इंतजार था। और फाइनली आज शादी के 12 साल बाद इस कपल ने अपने घर पर एक बेबी गर्ल का वेलकम किया है। इस वक्त रामचरण काफी खुश और एक्साइटेड नजर आ रहे हैं और इसी मौके पर उन्होंने कई गरीब लोगों और हॉस्पिटल स्टाफ में खाना बांटा है। उपासना को कुछ ही समय में किया जाएगा हॉस्पिटल से डिस्चार्ज। और खबरों के अनुसार रामचरण ने अपनी बेबी गर्ल के वेलकम के लिए घर पर रखी है एक ग्रैंड पार्टी जिसमें बॉलीवुड और साउथ के कई सुपरस्टार्स आने वाले हैं। और रामचरण ने इस वेलकम पार्टी के डेकोर पर भी लाखों रुपए का खर्चा किया है। वेल दोस्तों, आपका क्या कहना है इस खबर पर हमें कॉमेंट्स में जरूर बताइएगा और साथ ही इस कपल को कॉन्ग्रेचुलेशन कहना मत भूलिएगा। और वीडियो पर इनके सपोर्ट के लिए लाइक तो बनता है।